उनको दिखेगा ना, कोई बात नहीं। जब नहीं नहीं एक खड़ा रखिए, एक खड़ा रखिए, एक कैसे कर दीजिए, वो है ना कैमरा। जब आप लोग बताइएगा तो वील स्टार्ट, वील वेट। हिंदी वाला इसमें आपको चेंजेस करके दे दीजिएगा, मैं इंग्लिश का लिख दूंगी। Let us know when can we start. आप सबको मेरा नमस्कार। आप यहाँ पर ये दो गैस सिलेंडर देख रहे हैं और इसी के बारे में ये चर्चा है। बड़े बड़े वादे किए गए थे तो हम लोगों ने भी उस पर कुछ दो लाइनें लिखी हैं, आपको जरूर सुनाना चाहेंगे। बहुत हुआ है अत्याचार, कमर तोड़ महंगाई की मार, यही है मोदी सरकार। नरेंद्र मोदी जी की निर्मम, असंवेदनशील और अनैतिक सरकार ने किसानों के साथ तो अन्याय करने की ठान ही ली है और हर तरह का अन्याय, हर तरह की बर्बरता कर रहे हैं, पर अब देश के हर चूल्हे चौके, हर गृहिणी, हर आम आदमी की कमर तोड़ने का भी फैसला कर लिया, हर चूल्हे चौके में आग लगा दी है। पेट्रोल और डीजल के दाम आप सबको पता है 100 रुपए के पार हो गए हैं पेट्रोल का दाम, एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है सरकार ने। और अब घरेलू गैस, जिसको कि रसोई गैस कहा जाता है, जिसके सिलेंडर रखे हैं, इनके दाम निरंतर बढ़ाए जा रहे हैं। 10 दिनों के अंदर, आज 15 तारीख है, मात्र 10 दिनों के अंदर इन सिलेंडर में, रसोई गैस के सिलेंडर में 75 रुपए कीमत का इजाफा हुआ है, 75 रुपए कीमत बढ़ी है। 4 फरवरी को सिलेंडर की कीमत 25 रुपए बढ़ी थी और अब आज सुबह, कल रात 12 बजे से, मतलब 15 तारीख को यह कीमत 50 रुपए और बढ़ा दी गई है। और यही नहीं, दिसंबर 2020 मतलब 2 महीने के अंतर्गत यह कीमत 175 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़ चुकी है, क्योंकि दिसंबर में आपको याद होगा 2 बार 50-50 रुपए की वृद्धि हुई थी। तो यही सिलेंडर जो दिसंबर में दिल्ली में 594 रुपए का बिकता था, 594 का, वो आज दिल्ली शहर में 769 रुपए मतलब 769 का बिक रहा है। मुझे लगता है यहां पर यह याद दिलाना जरूरी होगा कि जब हमारी सरकार थी और हमारी सरकार में जब कच्चा तेल, जिसको क्रूड ऑयल कहते हैं, उसका दाम जब 100 रुपए 150 डॉलर तक पार कर गया था, तब भी रसोई गैस की कीमत 400 रुपए के आसपास थी। तो सबसे पहले मेरा मानना है कि शर्म आनी चाहिए सरकार को, जिसके कारण आज अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ठप हो चुकी है, बेरोजगारी मुंह बाय खड़ी है, इन्हीं के कुप्रबंधन के चलते लोगों का वेतन घटता जा रहा है और अब आप लोगों पर कमर तोड़ महंगाई का प्रहार कर रहे हैं, चाहे वो पेट्रोल डीजल के दाम हो या रसोई गैस की कीमतें, और इसका प्रभाव अमीर से अमीर और गरीब से गरीब आदमी तक पड़ता है। पर मुझे ऐसा लगता है सरकार को इससे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता है, और इसलिए फर्क नहीं पड़ता है कि कच्चे तेल का कीमत कुछ भी हो, कच्चे तेल का दाम कुछ भी हो, अगर वो 20 रुपए प्रति डॉलर हो जाता है जैसा लॉकडाउन के दौरान हुआ, तब भी आपको कोई फायदा नहीं मिलता, आपको कोई राहत कोई रियायत नहीं मिलती है, और अगर वो महंगा होता है तो भी आपको कुछ उतना ही पैसा देते जाना है। क्यों? क्योंकि सरकार आपदा में अवसर ढूंढती है और अवसर ढूंढने का उन्होंने यह काम किया है कि निरंतर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाते रहे हैं। अपने कार्यकाल के दौरान दर्जन बार से ऊपर इन्होंने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर करीब करीब 24 लाख करोड़ रुपए कमाए हैं, जो मेरा मानना है कि यह 24 लाख करोड़ एक्चुअली जनता का हक था। जनता यह नहीं कहती कि हम मुश्किल के समय आपके साथ नहीं खड़े होंगे, हम मुश्किल के समय आपकी सरकार के साथ खड़े होंगे, लेकिन जब कच्चे तेल का दाम गिरे तो हमें भी तो कुछ राहत मिलनी चाहिए,
उस समय आप अपना रोकड़ा कमाने में लग जाते हैं, अपने सरकारी खजाने भरते हैं। ये सरकार की ही दया है कि 100 रुपए पेट्रोल हो गया है, ये इसी सरकार का नया कीर्तिमान है, नया रिकॉर्ड है। और एक बात बतानी जरूरी है सिंपल शब्दों में कि इन्होंने एक्साइज ड्यूटी डीजल पर 8 गुना, लगभग 8 गुना बढ़ाई और पेट्रोल पे लगभग 2.5 गुना बढ़ाई। सीधे साफ शब्दों में जब हमारी सरकार थी तो डीजल पर जो टैक्स पड़ता था वो करीब करीब 3.5 रुपया प्रति लीटर था, वो आज बढ़ के 32 रुपए प्रति लीटर है। और पेट्रोल पर जो टैक्स करीब करीब 9 रुपए प्रति लीटर पड़ता था वो आज बढ़ के 33 रुपए प्रति लीटर है। तो सबसे पहले अगर आप वाकई में लोगों का भला सोचना चाहते हैं एक मिनट को भी, तो अपनी एक्साइज ड्यूटी को ही अगर आप कम कर दीजिए, अगर आप इसी को 33 रुपए और 32 रुपए को ही वापस ले लीजिए तो बड़ी राहत मिल सकती है। एक और बात जिसके बारे में बहुत चर्चा नहीं हुई है और बजट में यह हुआ था, इन्होंने 4 रुपए का सेस डीजल पे और 2.5 रुपए का सेस पेट्रोल पे लगाया था। और यह कहा गया था कि 2.5 रुपए का पेट्रोल पे 4 रुपए का डीजल पे लगाया गया था और यह कहा गया था कि इससे आम आदमी को फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यह एक बहुत सिनिस्टर प्लॉट था। यह प्लॉट इसलिए था, और मैं इसको कहती हूं कि यह षड्यंत्र इसलिए था, क्योंकि यह सेस लगाया गया था, एक्साइज ड्यूटी स्ट्रक्चर को चेंज किया गया। तो एक्साइज ड्यूटी स्ट्रक्चर चेंज करने का क्या मतलब हुआ कि इसमें जो पैसा आएगा वो सिर्फ केंद्र सरकार रखेगी और ये 4 और 2.5 रुपए की बढ़ोतरी का राज्य सरकारों को एक नया पैसा नहीं मिलेगा। मुझे ये भी लगता है कि आज अगर गृहिणी, आम आदमी, बच्चियां, लड़के, लड़कियां कोई भी खड़े होकर सरकार के इस कुप्रबंधन पर सवाल उठाए तो सबसे पहले तो उसको एक तगमा दे दिया जाएगा कि आप देशद्रोही हैं, आप सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। दूसरा, उसके ऊपर यूएपीए सेडिशन चार्ज लग जाएगा। अगर आज आप कहिएगा बाहर जाकर कि भाई पेट्रोल और डीजल के दामों में इतनी बढ़ोतरी हो गई और रसोई गैस में आपने आग लगा दी है, तो आपको आतंकवादी घोषित भी किया जा सकता है इस सरकार के कार्यकाल में। लेकिन सच तो यह है कि सरकार को अर्थव्यवस्था की रत्ती भर समझ नहीं है। आप सबको पता है कि इन्फ्लेशन दिन दुनी रात चौगनी बढ़ोतरी कर रहा है। इन्फ्लेशन आरबीआई की जो 2-4% 2-6% रेंज होती है, 4% उनका मीडियन है, उससे ऑलरेडी बढ़ चुका है। बढ़ते हुए इन्फ्लेशन का क्या मतलब है कि आरबीआई अब अंततोगत्वा रेट बढ़ाएगा। तो जो थोड़ी बहुत डिमांड आ भी सकती थी, जो थोड़ी बहुत मांग आप रिवाइव भी कर सकते थे, उस पर भी पानी फेरने का काम इस सरकार ने किया है। तो या तो इन लोगों को बिल्कुल समझ नहीं है, या समझ होते हुए भी ये जानबूझकर ऐसा करते हैं क्योंकि ये रत्ती भर इनको फिकर ही नहीं है कि आम आदमी के साथ क्या होगा। मेरा एक सवाल है, और सवाल बहुत वाजिब है, कि क्या सरकारों का काम मुनाफाखोरी करना होता है और जनता की महंगाई से कमर तोड़ना होता है? और इसीलिए मेरा अपना मानना है कि जो उज्ज्वला में भी अगर आप देखिए 10-10, 14-14 करोड़ सिलेंडर रिफिल ही नहीं हुए, क्योंकि पैसा तो आपको देना ही पड़ेगा और लोगों के पास इतना पैसा ही नहीं है कि उज्ज्वला जैसे सब्सिडाइज सिलेंडर भी रिफिल करा सके आज की तारीख में। तो उसमें क्या हो रहा है कि लोग फिर से वही चूल्हा फूंकने का और चूल्हा जलाने का काम कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अच्छे दिन का दंभ भरने वाले ये लोग आज अच्छे दिन का नाम लेने से कतराते हैं। और आप जानते हैं कि हमारी सरकार, चाहे वो राजस्थान में हो या कहीं और, हम लोग चुनाव का इंतजार नहीं करते। हमने टैक्स घटाए जबकि हमारा राजस्व बहुत कम है इस समय, हमने फिर भी टैक्स घटाए। असम में जब चुनाव आता है तो टैक्स घटाया जाता है, और अब आप देखिएगा कि जब तक चुनाव नहीं हो जाएगा असम में और बाकी राज्यों में, तब तक इस बढ़ोतरी पर रोक लगा दी जाएगी जैसा हमने बिहार में देखा था। तो क्या चुनावों के चलते ही अब इस देश की अर्थव्यवस्था चलेगी? मुनाफाखोरी बंद होनी चाहिए। हमारी मांग है कि बढ़ी हुई कीमतों को वापस लेना जाए, और हमारी मांग है कि जो एक्साइज ड्यूटी सरकार ने बढ़ाई है, जो मुनाफाखोरी सरकार कर रही है, जो आम जनता को प्रताड़ित करने का काम कर रही है, उसको तुरंत वापस करके जनमानस को राहत दी जाए। और मेरा एक और विनती कह लीजिए, हुंकार कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, मैं एक सवाल डायरेक्टली सिर्फ प्रधानमंत्री जी से ही नहीं, उनकी उन महिला नेत्रियों से जरूर पूछना चाहती हूं जो सड़क पे उतर जाती थी गैस के सिलेंडर लेकर। आज 2 महीने में 175 रुपए सिलेंडर बढ़ गया है,
तो क्या सत्ता का सुख इतना बड़ा है कि आम जनता की परेशानी वहां दिखाई नहीं देती? ये सवाल का जवाब आपकी अंतरात्मा देगी, और आप सबको पता है मैं किसकी बात कर रही हूं। आई विल जस्ट मेक अ ब्रीफ स्टेटमेंट इन इंग्लिश। इन द लास्ट टू मंथ्स अलोन एलपीजी गैस प्राइसेस हैव गॉन अप बाय 175 रुपीज पर सिलेंडर। It costed 594 per cylinder in Delhi in the month of December. It is now going to cost 769 per cylinder. It is also important to remember here that in this month of February alone, we have seen a price rise of 75 rupees. On the 4th of February, there was a price rise of 25 rupees per cylinder. On the 15th, there has been a price rise of 50 rupees per cylinder. The reality is that when we were in government, and despite global crude prices heightening and peaking at $150 a barrel, prices did not cross subsidized cylinders at about 400 per cylinder. The condition is very different. Today, we are amidst an economic recession. Today, India is facing acute unemployment issues. Today, people's wages have been cut. And now to burden them with skyrocketing prices, thanks to LPG cylinders or petrol and diesel prices, where records are being set by this government, where petrol prices, you know, in Madhya Pradesh have crossed 100 rupees per liter. I think it tells you a lot about how this government functions and thinks. They are not just insensitive. I also believe they want to look the other way. And it is not as if things are not in control. If the government wants, and the government has raised excise duty about 12 odd times in its tenure so far, and has amassed a huge and a whopping 24 lakh crore rupees, which actually belongs to the people of this country. And taxation is so very high. When we were in government, the tax on diesel was 3.5 rupees per liter on every liter of diesel being sold. Today, it is nearly 32 rupees per liter on diesel. On petrol, it was just a little over 9 rupees per liter when we were in government. Today, it is at about 33 rupees per liter. Who is going to be answerable for that? And if the government just withdraws this excise duty, there will be a lot of relief for the common man. In the budget itself, fuel subsidy has been cut. And also the budget talks about cess. They are changing the excise duty structure, which essentially put means that 4 rupee hike and the 2.5 rupee hike on petrol and diesel, by the way of cess, will all be amassed by the central government, and not a penny of that money will go to the states. They only politic, every step that they take is geared towards elections. Assam is going to cut fuel taxes because it's going to elections. They will stop raising rates till elections don't happen. We are also in government. In Rajasthan, out of turn, we went and cut taxes. Why can the Modi government not be sensitive towards the needs of people? I also believe if the common man and the common woman today rises and starts asking tough questions of this government as far as economic mismanagement and skyrocketing prices are concerned, they will be labeled anti-national, sedition cases will be filed against them, and they will perhaps be lodged in jail. This is the reality of things today. They also do not understand 101 economics. If demand is low and inflation is high, to keep raising LPG, petrol, diesel prices is only going to stoke inflation higher, which essentially means that the RBI will eventually have to raise interest rates, which will further dampen demand. So all of these wise women and men who sit in government, they have zero understanding of economic principles. They have zero understanding of how demand, how consumption, how investment, how jobs are created in an economy, and which is why they are presiding over the worst economic slowdown and economic recession and unemployment crisis in our history. I also believe, is it a moral duty of the government to give relief to the people, or is it all right for the government to make money at their behest, to make money at the cost of people's problems, to burden them with high prices? We believe that the Achhe Din that the Modi government spoke about and shies away from is because it is nowhere in sight. I ask a direct question of the women representatives of the BJP, and many of whom today sit in government in very high positions. You used to take to the streets. Today, LPG prices have gone up by 175 rupees per cylinder. Ms. Smriti Irani, are you willing to take to the streets again? Or is it so comfortable in the government or in high offices that you sit that the pain of the common man is no longer visible? The lesser said about Ms. Nirmala Sitharaman, the better it would be.
We demand that these prices be rolled back. We demand that the excise duty structure and the excise collections be paused for a while, at least on this, and the government gives some relief to the common man, because the situation is unprecedented. And in unprecedented situation, the government's prime duty is to bring more relief to the people. Thank you. We'll take some more questions first. Kunsa? मैं बजट का सवाल एक मिनट पे लूंगी. किसी को अगर फ्यूल प्राइसेस पे सवाल पूछना है तो पहले वो ले लेते हैं, फिर वी हैव बीन प्रोटेस्टिंग. आई कम फ्रॉम द स्टेट ऑफ यूपी एंड आई कैन टेल यू वी हैव बीन टेकिंग टू द स्ट्रीट्स. हम जिला जो मुख्यालय है उनका घेराव करते हैं, हमने राजभवनों का घेराव किया है. सच तो ये है कि ये सब चीजें उनको मैटर करती हैं, उनकी मोटी चमड़ी पर प्रभाव करती हैं जो संवेदनशील सरकारें होती हैं. जब सरकार असंवेदनशील और निर्ममता पर उतर आए और निठुर हो जाए तो उन पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है. आज ये सच है कि ये लोग जो महंगाई की बातें करते थे, ये लोग जो सड़कों पर उतरते थे, उनकी आंखों पर ऐसा चश्मा पड़ गया है कि उनको गरीब आदमी की, उनको आम जनता की परेशानियां दिख ही नहीं रही हैं. आम जनता महंगाई से भी जूझ रही है और मंदी से भी जूझ रही है, और इसका सारा श्रेय, इसकी सारी करनी मोदी सरकार की है. और मुझे ऐसा लगता है कि अगर अंतरात्मा अभी भी जीवित है जो लोग प्रदर्शन करते थे, उनको जरूर इस पर कुछ ना कुछ तो बोलना चाहिए. चुप्पी तो तोड़िए. एनी अदर क्वेश्चंस ऑन दिस? आपका सवाल का मैं जवाब देती हूँ. जो बजट आया है उसके बारे में काफी चर्चा अभी तक हो चुकी है, और मुझे ऐसा लगता है कि इतना दंभ और अहंकार इससे पहले किसी और सरकार में था नहीं. आप बजट मंदी के दौरान लाए हैं और वो मंदी आपकी बनाई हुई है, आप लोगों की महंगाई से कमर तोड़ रहे हैं. इस बजट में पीएम किसान निधि की कटौती करी गई, मनरेगा के फंड की कटौती करी गई, एग्रीकल्चर और एलाइड सर्विसेज की कटौती करी गई, और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इस बजट में एजुकेशन, इनोवेशन, R&D, इन सब चीजों की कटौती करी गई है. हम विश्व गुरु बनने का दंभ रखते हैं और हम इन सब चीजों की कटौती कर रहे हैं. हम विश्व के सबसे युवा राष्ट्र हैं और हम एजुकेशन की कटौती कर रहे हैं. एक बहुत बड़ा सफेद सपाट झूठ हेल्थ पर भी बोला गया. दो फाइनेंस कमीशन की ग्रांट्स को उसमें दिखाकर बताया गया हम इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं. सच तो यह है कि इनकी सारी नीतियां, इनके सारे नियम, इनकी सारी पॉलिसीज जो हैं वो पूंजीपतियों के लिए हैं. आम आदमी के लिए एक पैसे का ये बजट नहीं है. आम आदमी के लिए इस बजट में कुछ नहीं है. और जो इनकी सारी नीतियां हैं, चाहे वो टैक्स कलेक्शन की नीति हो, चाहे वो एक्साइज की नीति हो, वो सब पूंजीपतियों के लिए बनी है. आम आदमी के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं था. ये मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रही हूं क्योंकि मैंने बजट का बहुत गहन अध्ययन किया है. मुझे ऐसा भी लगता है कि बजट में ही फ्यूल सब्सिडी कम कर दी गई है. तो जब फ्यूल सब्सिडी आप बजट में कम करिएगा तो कहीं ना कहीं आपने आशय बना लिया है कि हम कम फ्यूल सब्सिडी देंगे, लोगों जो उपभोग है उस पर भी प्रभाव पड़ेगा और निवेश पर भी प्रभाव पड़ेगा. इस बजट में ऐसा कुछ भी नहीं है. और आप किसी का भी विश्लेषण पढ़ लीजिए, किसी को भी सुन लीजिए, इस बजट में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे तुरंत नौकरियां बन सके या तुरंत निवेश हो सके. और आज उसी की सबसे ज्यादा हमारी अर्थव्यवस्था में जरूरत है. जी हाँ. मैं पहले आपका असम वाला क्वेश्चन आंसर करूंगी. एक स्टडी आई है अभी थोड़े दिनों पहले, और उसमें बहुत साफ तौर से अंकित किया गया है कि लॉकडाउन के दौरान देश के 100 पूंजीपतियों की, मात्र 130 करोड़ के इस देश में मात्र 100 पूंजीपतियों की इनकम में इतना इजाफा हुआ है जिससे कि 13,80,00,000 लोगों को 94,000 रुपए प्रति पर्सन दिए जा सकते हैं. इतना इजाफा हुआ है, 100 लोगों की इनकम में इतना इजाफा हुआ है कि करीब करीब 14 करोड़ लोगों को आप 94,000 रुपए दे सकते हैं प्रति पर्सन, प्रति व्यक्ति.
तो इतनी असमानता, इतनी जो इनकम इनइक्वालिटी इस देश में बन रही है, अगर कोई उस पर बोलता है तो मुझे लगता है हम सबको उसका समर्थन करना चाहिए। ये देश 130 करोड़ लोगों का देश है, लेकिन जितने भी नियम, जितने कानून, जितनी नीतियां बन रही हैं, उससे 1% के पास 73% वेल्थ जा रही है और बढ़ती ही जा रही है। तो मुझे लगता है बढ़ती हुई इनकम इनइक्वालिटी पर अगर राहुल जी ने कुछ कहा है तो उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा है। उनका आशय गुजरात को टारगेट करना नहीं था, उनका आशय यह दिखाना था कि कितनी जबरदस्त इनकम इनइक्वालिटी बढ़ रही है, जो खाई है गरीबों और अमीरों के बीच में वो किस तरह से बढ़ रही है, कि 100 लोगों की पूंजी जिस तरह से बढ़ी लॉकडाउन में, उससे आप 14 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति 94,000 रुपए दे सकते थे। मुझे लगता है कि इस सरकार का, एक सभ्य समाज का, हम सबका सर इससे शर्म से झुकना चाहिए, 130 करोड़ के गांधी केस देश में। आपने दूसरा एक सवाल पूछा बिप्लव देव जी के कमेंट का, उन्होंने कहा है कि शाह जी और मोदी जी तो अब श्रीलंका और नेपाल में भी सरकार बनाने का आशय रखते हैं। मुझे लगता है कि ये मजाक का विषय नहीं है। बिप्लव देव जी ने काफी बेतुकी बातें पहले भी करी हैं, लेकिन ये बेतुकी बात नहीं है, और इसलिए नहीं है क्योंकि ये कहीं पर हमारी फॉरेन पॉलिसी को, हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस को हर्ट करता है, उसको क्षति पहुंचाता है, और इसलिए क्षति पहुंचाता है क्योंकि आप एक तरह से कह रहे हैं कि हम कू करने वाले हैं वहां पर, श्रीलंका और नेपाल में, वहां पर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स हैं, वहां पर लोकतंत्र है, और एक दूसरा लोकतंत्र कहता है कि हम वहां पर सरकार बनाएंगे। ये किस तरह की बातें करते हैं? अभी तक हम खामियाजा भुगत रहे हैं मोदी जी के, अब की बार ट्रंप सरकार का, अब इनके लोग, और मुझे लगता है कि बिप्लव देव जी ने बेवकूफी की बात करी है, लेकिन इसका बहुत दुष्परिणाम हो सकता है, और मुझे ऐसा लगता है कि खुलकर सरकार को आकर उनसे भी माफी मंगवानी चाहिए, और नेपाल के लोगों से ही नहीं, उनकी निर्वाचित गवर्नमेंट से, श्रीलंका के लोगों से ही नहीं, उनकी निर्वाचित सरकारों से हाथ जोड़ के माफी मांगनी चाहिए। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक ब्लंडर साबित हो सकता है। देखिए, ऐसा है कि भाजपा जो कर रही है वेस्ट बंगाल के चुनावों में, उससे तो हम मुझे लगता है बड़ी शर्म आनी चाहिए। वेस्ट बंगाल जाकर, जिसको कि माँ दुर्गा का मायका कहा जाता है, आप उन्हीं को वहां पर जाकर उनके बारे में दुष्प्रचार फैलाते हैं, उन्हीं का अपमान करते हैं, वो आदिशक्ति भूल जाते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि सृजन आदिशक्ति से ही हुआ है, जिसका रूप माँ दुर्गा है, वो भगवानों को ही लड़ाने में आपस में लग गए। तो मुझे ऐसा लगता है भाजपा जो भी कर ले, बहुत करारी हार मिलेगी, क्योंकि वेस्ट बंगाल की जो जनता है वो पढ़ी लिखी जनता है, वहीं से हिंदुस्तान में रेनेसां की शुरुआत हुई थी, और वो कुछ भी कर ले वो हारेंगे। टीएमसी का जहां तक है, अगर टीएमसी ने बड़ा काम किया होता डेवलपमेंट का, तो शायद इस तरह का डायलॉग ही नहीं होता, आप अपने काम के नाम पर वोट मांगते। यस, when I got to know yesterday that the government has stooped so low to arrest a 21-year-old climate warrior because she was a part of some toolkit by Greta Thunberg, or for that Manning this morning arresting Nikita Jacob, another young girl, it actually tells me two things: that this is an extremely coward government, this is a government that fears women the most, this is a government that is absolutely scared of free speech, and may I dare say determined women, and which is why they stoop so low. Our democracy is extremely strong, our foundation is extremely strong, and if they believe that a 21-year-old climate warrior or a 22-year-old Nikita can distort the foundations of our democracy, then they really are absolutely belied. They have no idea what they're talking about. What they are doing is essentially to curb dissent, but dissent is an extremely important part of our democracy, and no matter what they do, they can close down handles, they can pressurize platforms, they can arrest some people arbitrarily. The reality is that the more you do this, the more voices of protest in this country will rise, and you are actually doing nothing. You are exposing your true fascist self.
आई विल रिपीट दिस आंसर इन हिंदी. जब कल दिशा रवि को गिरफ्तार किया गया, जो 21 साल की लड़की है और क्लाइमेट वॉरियर है, और आज निकिता जेगब की गिरफ्तारी हुई, तो कहीं ना कहीं ये प्रतीत होता है, और मेरा अपना मानना है पूरे विश्वास के साथ, कि ये सरकार बहुत ही बुजदिल, बहुत ही डरपोक है, और इनको सशक्त इरादों से और जो निर्भीक महिलाएं होती हैं उनसे थोड़ा ज्यादा डर लगता है, और उनसे इतना डर लगता है कि इनको लगता है वो लोकतंत्र को हिला देंगी. लोकतंत्र को तो वो लोग हिला रहे हैं जो पुलवामा पर जश्न मनाते हैं, लोकतंत्र को वो लोग हिला रहे हैं जिनको बेल मिल जाती है और वो डीएसपी बन के जेएनके में घूम रहे हैं, लोकतंत्र को वो लोग हिला रहे हैं जो खुलेआम हिंदू मुसलमान की बातें करते हैं, लोकतंत्र को सशक्त ऐसी आवाजें बनाती हैं जो आपसे सवाल पूछती हैं. लेकिन आपसे सवाल पूछने का मतलब है कि वो देशद्रोही है, वो आतंकवादी है, आप उस पर हर तरह के आरोप लगाते हैं. वास्तविकता ये है कि आप कायर हैं, आप बुजदिल हैं, और आपको डिसेंट पसंद नहीं है. लेकिन डिसेंट लोकतंत्र का एक बहुत मजबूत स्तंभ है, और उसको आप खत्म नहीं कर सकते. जितने हैंडल्स को आप बंद करिएगा, जितने लोगों की आवाजों को आप दबाइएगा, उतनी ही सशक्त और आवाजें उभरेंगी. आर वी गुड? थैंक यू.